342 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हृदय से सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी के जीवन में विकास ही सुख और समृद्धि लाएगा। जनपद हापुड़ की जो अपनी पहचान है उसी के साथ जनता आगे बढ़े। प्रदेश के समृद्ध जनपदों की श्रेणी में जनपद हापुड़ है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि कोई दंगा यहां नहीं होना चाहिए। प्रदेश में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ हापुड़ से अभय शर्मा की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से की बटन दबाकर आज के इस दिवस को ऐतिहासिक दिवस में तब्दील करते हुए और हमारे मंच के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 104 और स्वागतों के इस नए स्वागतों के साथ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और एक नई राह पर चलता हमारा जनपद हापुड़। नहीं है अराजकता, नहीं है गुंडागिर्दी, नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते सात खानदान 20 जाएंगे लेकिन सात पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे, भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ यात्रा निकलेंगे। भाइयों बहनों आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं, कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं, हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं वह अभिभूत करने वाला होता है। ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा है हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।